बाबा, आपके दिए हुए पैसे लेके बंबई भाग रहा था मैं। मुझ पर दासगनु जी की कहानी का कोई असर नहीं हुआ था। सोचा था बंबई जाऊंगा, पैसों से मजा करूंगा और लौट आऊंगा, लेकिन रास्ते में समय बर्बाद मत करो, अपना भी और मेरा भी। मैं अपने भाइयों की तरह ना उल्लू नहीं बनने वाला। मैं तो मदद मांगने आया हूं तुमसे। मुझसे? तुम लोगों की मदद करते हो ना, काला जादू और क्या क्या, फिर मुझसे मदद क्यों चाहिए तुम्हें? उसे देखो, वो प्राण त्याग चुका है, लावारिस पड़ा है। मैं चाहता हूं कि इंसानियत के नाते उसे शमशान घाट ले जाकर उसके अंतिम संस्कार करो। मेरी मदद करोगे? समाज सेवा के लिए ना मेरे पास समय है, ना मेरी कोई दिलचस्पी है। पैसे दूं तो भी मदद नहीं करोगे? और भी है मेरी जेब में, सब दे दूंगा। ठीक है, तुम भी क्या याद करो, चलो। ये तो जिंदा है, इनकी सांसें चल रही है, इनको वैद्य के पास ले जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये मर चुका है, इसे शमशान ही ले चलते हैं। ए, दिख नहीं रहा, ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है। जो भी हो, ये बच नहीं पाएगा, फिर वैद्य के पास समय और पैसा क्यों बर्बाद करना? इसे शमशान ही लेकर चलते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो ये मर ही जाएगा। वाह सही, वाह, लोग तो तुम्हें भगवान मानते हैं ना, तो ऐसे गलत काम कर रहे हो तुम। ये बच सकता है तो इसे मारना चाहते हो तुम? इसको ऐसे इसके हाल पे कैसे छोड़ सकते हो तुम? मदद क्यों नहीं कर रहे हो? जो जरूरी है इसके लिए वो क्यों नहीं करना चाह रहे हो तुम? ये तुम कह रहे हो, जो खुद की मदद नहीं करना चाहता है। मदद मुझे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे क्या जरूरत है मदद की? जो दिशाहीन जीवन को ही अपना सच मान के बैठा हो, वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। मैंने इस आदमी के साथ बुरा करने का सोचा भी तो तुम हिल गए, लेकिन अंगद, तुम भी तो खुद के साथ वही कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपना जीवन दोबारा शुरू करने का मौका मिल रहा है, मदद भी, लेकिन तुम बुराई के रास्ते पे चल के खुद को नष्ट करने पे तुले हो। जो इंसान खुद की मदद करना नहीं चाहता है, अपने जीवन का मूल्य नहीं समझना चाहता है।
एक बार फिर से सोच लो साई, गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जो जात पात को मानते हैं। हमारी बस्ती की मिट्टी से रामलला की मूर्ति बनाने वाली बात अच्छी नहीं लगेगी लोगों को। समाज में बदलाव लाने के लिए सोच बदलनी जरूरी है, और सोच बदलना मुश्किल काम है। विरोध होना तो स्वाभाविक है, लेकिन विरोध के डर से हम पीछे हट गए तो हालात कभी नहीं बदलेंगे, समाज में कभी सुधार नहीं आएगा। समाज को सोचने पर मजबूर करना होगा, समाज को आईना दिखाना होगा। इस लड़के की हिम्मत तो देखिए गंगाधर जी, अंदर आने वाली थी वो भी कुएं से पानी लेने के लिए। अच्छा हुआ इस लड़की ने पैर अंदर नहीं रखा, तो इसकी टांगे तुड़वा देता। इस मूर्ख को इतना भी पता नहीं है कि बस्ती वालों की परछाई भी यहां नहीं पड़ सकती है। देख क्या रही है, एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, चल निकल भाग। गंगाधर जी, सावरी की आई बीमार है, दवा देनी है और खाना भी बनाना है। गांव में जितने सार्वजनिक कुएं हैं उनमें आंधी के कारण कचरा गिरा है, पूरे गांव में पानी की कमी है। आज सिर्फ एक दिन का सवाल है, थोड़ी इंसानियत दिखाइए और इसे पानी लेने दीजिए। देखिए साईं, मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने आपकी बातों से सारे गांव को बरगला दिया होगा, कई पंडितों का धर्म भ्रष्ट भी किया होगा, मगर शास्त्र तो यही कहते हैं कि इन नीच जाति वालों को सार्वजनिक और पवित्र धार्मिक स्थलों पर जाना आज भी वर्जित है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।